नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बायोस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार की सियासत इन दिनों कुढ़नी उपचुनाव को लेकर यूं ही तेज हो चुकी है। दूसरी तरफ छात्रों में भी उबाल देखने को मिल रहा है। बीपीएससी रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्रों ने बिहार लोक सेवा आयोग के गेट पर प्रदर्शन किया। छात्र बीपीएससी रिजल्ट मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि मामले की सीबीआई जांच हो या फिर सीएम नीतीश कुमार एक जांच कमेटी का गठन करें और पूरे मामले की जांच कराएं। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र युवा नेता दिलीप कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। दिलीप, आप लोगों की मांग क्या है? और पहले तो परीक्षा होती है, पहले पेपर लीक होते हैं, सरकार उसे मानती है, फिर पुनर्परीक्षा कराई जाती है और फिर से गड़बड़ियां सामने आ रही है। हम लोगों की मांग ये है कि बीपीएससी ने 9 प्रश्नों का आंसर गलत दिया है और ये अपने आप में कोई भी आदमी समझ सकते हैं कि जब 9 प्रश्नों का आंसर ही गलत दिया गया है तो फिर उस रिजल्ट का क्या मतलब आ जाता है। तो हमारी मांग है कि 9 प्रश्नों के जो आंसर गलत दिए गए हैं उनको सुधार करते हुए हर कैटेगरी में इतना कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दिया जाए ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे 53 से 55वीं में बीपीएससी में हुआ था, 4 क्वेश्चन का आंसर इन्होंने गलत दिया था तो 4 कट ऑफ कम करके पटना हाईकोर्ट का आदेश आया तो 4 कट ऑफ हर कैटेगरी में कम करके रिजल्ट दिया गया था। तो हम लोग वही मांग कर रहे हैं कि आपने गलती की है तो हर कैटेगरी में इतना कट ऑफ कम करके पहले एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दीजिए और बीपीएससी सोर्स बताए, उनके एक्सपर्ट टीम सोर्स बताए कि उनके उत्तर का क्या सोर्स है, क्योंकि हम लोग तो उत्तर का सोर्स बता रहे हैं, प्रूफ भी दिए हैं, लेकिन बीपीएससी के एक्सपर्ट को भी बताना चाहिए ना कि उनका सोर्स क्या है, जो हर परीक्षा में वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन का आंसर जानबूझकर गलत करते हैं ताकि कुछ योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाए और जिनसे पैसा लिया उनको अंदर कर दिया जाए, पास कर दिया जाए। तो अब उनको सोर्स बताना पड़ेगा और ये जो अमरिंदर कुमार है जो परीक्षा नियंत्रक है और सचिव भी है और ये लंबे समय से 7 वर्षों से बीपीएससी ऑफिस के अंदर है और इनको आईएएस में प्रमोट कर दिया गया पेपर लीक के बाद। यूपी में पेपर लीक होता है तो महिला परीक्षा नियंत्रक को रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बिहार अजूबा राज है जहां परीक्षा नियंत्रक पे कोई पूछताछ तक नहीं होती है। अमरिंदर कुमार के समय में मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई गई, ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया, लेकिन अमरिंदर कुमार से आज तक पूछताछ नहीं हुई। यानी बीपीएससी को अब एपीएससी बना दिया गया है, अमरिंदर पब्लिक सर्विस कमीशन, अमरिंदर लोक सेवा आयोग बना दिया गया है। तो अब नीतीश कुमार जी से हमारी मांग है कि सबसे पहले अमरिंदर कुमार को बीपीएससी ऑफिस से बाहर कीजिए और बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग को पहले आप बिहार लोक सेवा आयोग बनाइए और 9 प्रश्नों का जो उत्तर गलत है तो या तो उतना कटअप हर कैटेगरी में कम करके आप एक्स्ट्रा रिजल्ट दिलवाइए या नहीं तो नीतीश कुमार जी खुद से एक एक्सपर्ट टीम बना दीजिए, जिन जिन शिक्षकों को आप चाहिए उसमें शामिल कीजिए और वो एक्सपर्ट टीम जो भी डिसीजन देंगे हम लोग उनको मानने के लिए तैयार है, उसके बाद हम लोग कोई विरोध नहीं करेंगे। तो हम लोग तो मुख्यमंत्री जी पर इतना भरोसा अभी भी जता रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है, हम लोग तो इतना मांग कर रहे हैं। और पीडीएफ में छेड़छाड़ हुई, ओएमआर सीट में छेड़छाड़ हुई तो उसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, पेपर लीक की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब पेपर लीक की जांच बीपीएससी ऑफिस के अंदर पहुंची तो जांच को बंद कर दिया गया और यही वजह है कि जो अरबों रुपया का खेल हुआ था, जिन लोगों से पैसा लिया गया था उन लोगों को पास कराने की साजिश रची गई, इसलिए पहले परसेंटाइल लाने की कोशिश की गई, जब उसमें सफल नहीं हुए तो अब देखिए रिजल्ट जब आया तो आंसर ही गलत दे दिया गया ताकि योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाए। और 300-400 स्टूडेंट जो आरा के वीर कुंवर सिंह सेंटर पे 8 मई को अलग एग्जाम अलग तरीके से एग्जाम जिनको दिलवाया दिया जा रहा था तो उन स्टूडेंट्स पे क्या कार्रवाई हुई, जिसके कारण वहां के मजिस्ट्रेट बीडीओ शिक्षक कर्मचारी को अभी तक जेल में बंद करके रखा गया है। तो क्या उन स्टूडेंट्स का कोई दोष नहीं था जो अलग हॉल में अलग रूम में एग्जाम दे रहे थे, सिटिंग करवा रहे थे, जब वहां तैनात मजिस्ट्रेट दोषी है, वहां तैनात शिक्षक दोषी है तो वो अभ्यर्थी भी तो दोषी है जो सेटिंग करा रहे थे। अगर मैट्रिक इंटर की परीक्षा में चोरी करते हैं कोई अभ्यर्थी परीक्षार्थी तो उनको जेल भेज दिया जाता है, उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है 2-3 साल के लिए, लेकिन बीपीएससी में लिखा हुआ भी है एडमिट कार्ड पे कि अगर आप कदाचार करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन बीपीएससी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की उन 300-400 छात्रों पे, न तो आर्थिक अपराध इकाई ने कोई कार्रवाई की, न ही नीतीश कुमार की सरकार ने कार्रवाई की। तो ये साबित करता है जो 300-400 स्टूडेंट जो आरा के एक सेंटर पे वीर कुंवर सिंह कॉलेज पे अलग से परीक्षा दे रहे थे वो बड़े बड़े नेताओं बड़े बड़े अधिकारियों के बेटा बेटी हैं और इसलिए उनका सेटिंग फिर से किया गया और उसको पास कराने के लिए 9 प्रश्नों का आंसर गलत दिया गया ताकि कुछ योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाए।
जी दिलीप, एक तरफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तमाम छात्र आंदोलन पे उतारू हैं, वहीं दूसरी तरफ एक दिन पहले एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद फिर 15 छात्रों का रिजल्ट जारी किया जाता है, तो क्या इस पे बीपीएससी की तरफ से कोई रिएक्शन दिया गया है क्या? देखिए, बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन देकर 15 रिजल्ट दिया है तो वो खुद उसमें फंस रही है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, और जिस आधार पे 15 रिजल्ट दिया गया है वो आधार बिल्कुल गलत है। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन एक ही पूछा गया, अलग अलग नहीं है। और बीपीएससी ने अभी तक ये नोटिस जारी क्यों नहीं किया गया कि 9 प्रश्नों पे जो हमने आपत्ति जताया था तो उन प्रश्नों में से कितने का उत्तर उनके एक्सपर्ट ने सही माना, कितने का गलत माना, ये तो बताना चाहिए, उनको सोर्स बताना चाहिए। तो अब जो हम लोगों की मांग सरकार से है, नीतीश कुमार जी से है, कि जो न्याय के साथ विकास की बात करते हैं तो अब न्याय के साथ बहाली की बात कीजिए नीतीश कुमार जी, और आप पे हम भरोसा कर रहे हैं, आप एक्सपर्ट टीम बनाइए, और वो एक्सपर्ट टीम जो डिसीजन दे दे हम लोग मानने के लिए तैयार है। हम बार बार ये चीज कह रहे हैं, अमरेंद्र कुमार द्वारा बनाई गई टीम पे हम विश्वास नहीं कर सकते। हमने पहले भी कहा था अध्यक्ष महोदय को 22 नवंबर को कि अमरेंद्र कुमार द्वारा जो एक्सपर्ट टीम बनाई जाएगी वो तो वही लोग होंगे जो जिन्होंने प्रोविजनल आंसर की दिया, फिर फाइनल आंसर की दिया, जिन्होंने 64वीं में आंसर दिया, 64वीं में 14 प्रश्नों का आंसर गलत दिया गया था, तो उन लोगों पे क्या भरोसा किया जाए? ये लोग तो जानबूझ के आंसर गलत देते हैं ताकि योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए और जिनसे पैसा लिया गया है उनको अंदर कर दिया जाए। तो बिल्कुल, क्या ऐसे में आप लोगों का अगला कदम सीएम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कौन सा कदम उठाइएगा आप लोग? देखिए, कल 29 नवंबर को 12 बजे हम लोग बीपीएससी ऑफिस के आगे आंदोलन कर रहे हैं, और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि संख्या बल दिखा के हम सरकार को अपनी बातों से अवगत कराए, क्योंकि लोकतांत्रिक राज्य है, लोकतांत्रिक देश है, तो ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है आंदोलन का। तो हम लोग कल प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे ताकि सरकार हमारी बातों पे ध्यान दे और बीपीएससी को ये कहे कि एक्स्ट्रा रिजल्ट को जारी करे 9 नंबर कट ऑफ हर कैटेगरी में कम करके। और हम लोग सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि सरकार अगर इसमें संलिप्त नहीं है धांधली से तो सीबीआई जांच कराने में क्या आपत्ति है सरकार? अगर सरकार सीबीआई जांच नहीं करवा रही है पेपर लीक की और पीडीएफ में जो छेड़छाड़ है उसकी, तो इसका मतलब है कि सरकार ही संलिप्त है इसमें, संस्थागत भ्रष्टाचार किया जा रहा है बिहार में, तो अब ये चीज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कल जो हमारा आंदोलन है इसमें दिल्ली से छात्र छात्राएं आ रहे हैं, बिहार के हर जिले से आ रहे हैं, पटना से तो आ ही रहे, तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि युवाओं के सपनों को आप कब तक उछलते रहिएगा हुजूर, कम से कम अब जग जाइए, नहीं तो बिहार में क्रांति हो जाएगी क्रांति। और इतिहास रहा है, चाहे स्वतंत्रता से पहले हो या स्वतंत्रता के बाद हो, बिहार में छात्र आंदोलन की क्या भूमिका रही है ये नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो इसलिए सरकार से आग्रह है, नीतीश कुमार जी से भी आग्रह है कि आप जल्द से जल्द युवाओं के साथ न्याय कीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि ये विस्फोट का रूप ले ले, विस्फोटक हो जाए, ज्वालामुखी का रूप ले ले और बिहार के हर जिला में आंदोलन हो जाए। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि हमारा आंदोलन हमेशा शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से होता है, जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है, एक कागज का टुकड़ा भी हम लोग किसी पे नहीं मारते हैं, बस शांतिपूर्वक अपनी बातों को लोकतांत्रिक ढंग से रखते हैं। चलिए दिलीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे छात्र नेता दिलीप, जिनका कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं, 9 सवाल गलत पूछे गए थे, उन्हें ठीक किया जाए और उसके बाद फिर से परीक्षा ली जाए। इसके साथ ही सवाल इस बात पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद दोबारा 15 छात्रों को कैसे पास करार दिया गया है, और इस पे बीपीएससी को भी जवाब देते नहीं बन रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार क्या फैसला लेती है और नीतीश कुमार इस पे आगे क्या निर्णय लेते हैं।